पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी नतीजों पर तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कई सेलेब्स ने इस बहाने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर खान ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है, बीजेपी हारती है तो लगता है कि देश जीत रहा है। तो वहीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने बीजेपी नेता को जवाब देते हुए कहा है कि हिंदुओं ने हराया है। उधर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा भी बीजेपी से सवाल करते दिखे। वहीं केआरके ने कहा है कि आप सबको ममता दीदी की जीत की बहुत बहुत बधाई, बीजेपी हारती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा देश जीत रहा हो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? केआरके ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, ठीक उसी तरह जैसे राम की रावण पर। इधर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बीजेपी नेता प्रो राकेश सिन्हा को जवाब देते हुए लिखा है कि बंगाल की 70% आबादी हिंदू है, अंकल हिंदुओं की लात खाई है आपने। स्वरा ने एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि मोदी जी दीदी ओ दीदी, दीदी बोली ये ले। साथ ही उन्होंने लिखा है कि किसी गिरे हुए बुजुर्ग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर महिलाओं के साथ टुच्ची छेड़छाड़ करने वाले को यही सटीक जवाब है। वहीं फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी से सवाल पूछा है। नरेंद्र मोदी सर जी, अभी कल तक तो आप कह रहे थे कि दीदी अब खत्म, अब आप क्या कहेंगे सर? वहीं रामगोपाल वर्मा ने इस पोस्ट पर राम नाम के एक यूज़र ने रिएक्ट किया है और कमेंट में कहा है कि ममता दीदी का अंत सामने आ रहा है, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। 5 साल पहले बीजेपी को असेंबली में 3 सीट से ही मिली थी, पर आज वह 80+ सीटें लेकर आई है। जीत में बेशक समय लगता है, लेकिन वह वक्त जल्द आएगा जब बीजेपी जीतेगी। वहीं एक और यूज़र ने कहा है कि दीदी राजनीति में अगली बार तक ख़त्म हो जाएंगी और कांग्रेस तो ख़त्म हो ही चुकी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।